कोसीकला नगर पालिका परिषद के चेयरमैन नरेंद्र गुर्जर द्वारा बुधवार को निश्चित की गई बोर्ड बैठक का 19 सभासदों ने बहिष्कार किया। सभासदों के न पहुंचने के कारण तीसरी बोर्ड बैठक स्थगित करनी पड़ी। बोर्ड बैठक में 10 सभासद मौजूद रहे। बुधवार को कोसीकला नगर पालिका परिषद की दूसरी बोर्ड बैठक नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार एवं अधिशासी अधिकारी पूर्णिमा दुबे की उपस्थिति में 14 सभासदों की मौजूदगी न होने की वजह से पालिका अध्यक्ष ने स्थगित कर दी। इस दौरान पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने अधिशासी अधिकारी पूर्णिमा दुबे एवं कार्यवाहक अधिकारी योगेंद्र शर्मा की मौजूदगी में 15वें वित्त आयोग से लगभग 1.5 करोड़ के विकास कार्यों के प्रस्तावों को पारित कर मंजूरी दे दी। पालिका की दूसरी बोर्ड बैठक में 25 सभासदों की उपस्थिति न होने की वजह से 10 सभासद ही उपस्थित रहे, जिसकी वजह से बोर्ड बैठक को स्थगित करना पड़ा। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि जो सभासद बोर्ड बैठक का निरंतर बहिष्कार कर रहे हैं, उनकी वजह से पालिका क्षेत्र के रुके विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। गायब रहे सभासदों को बोर्ड बैठक में उपस्थित होकर अपनी बात रखनी चाहिए, जिसमें आने के लिए सभी सभासदों से अपील की है। बोर्ड बैठक में कुछ सभासदों ने कहा कि बोर्ड बैठक का लगातार बहिष्कार कर रहे सभासदों को बोर्ड बैठक में आकर अपना विरोध करना चाहिए, जिससे नगर पालिका के वार्डों का विकास कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। देखो, हमको अभी कोसी नगर पालिका बोर्ड में पहुंचे हुए अभी 4 वर्ष हुए हैं और 4 वर्षों में केवल हमको अपने वार्डों में काम कराने के आश्वासन मिले हैं। अभी तक कोई काम ऐसा नहीं कराया गया जिससे कि समाज में एक संकेत जाए और कोसी जनता एक रूबरू हो और हमसे और ये दे कि कोसी में विकास कार्य हुआ है, और केवल बाहरी कॉलोनियों में कागजों में खानापूर्ति विकास के नाम की करी गई है। और हम यही चेयरमैन साहब से हम इसी वजह से नहीं चाहते कि बोर्ड मीटिंग में जो भ्रष्टाचार कोसी नगर पालिका में हो रहा है उसका मेंबरों द्वारा कोई भी संकेत समाज में नहीं जाए कि हमारी जो बोर्ड समस्याएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए। और उसके बाद आगामी कोई बोर्ड मीटिंग होती है और चेयरमैन साहब हमको कोसी नगर पालिका में और कोसी क्षेत्र में अगर वो विकास कार्यों को आश्वासन देते हैं और कराते हैं तो हम चेयरमैन साहब को चाहिए। इसका देखिए मेन जो कारण है हमारी कोसी कला की जनता से जो खिलवाड़ चेयरमैन साहब ने किया है, हम इसका विरोध करते हैं चेयरमैन साहब का। और बोर्ड की जो मीटिंग है हम जब तक उसको नहीं होने देंगे जब तक शासन प्रशासन नगर पालिका में जितने घोटाले चेयरमैन साहब ने किए इनकी जांच नहीं कर लेंगे, उससे पहले हम मीटिंग नहीं होंगे। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग एक ही है, जो कोसी कला की पब्लिक को हमारी जनता को जनता द्वारा जो गुमराह किया गया है उसके हमारा कोई विकास ही नहीं हो रहा। आज तक 2 ईंट नहीं लग पाई किसी वार्ड में तो, और मीटिंग के लिए करोड़ों की मीटिंग हो जाती है, घोटाले हो रहे हैं, तो हम इसका विरोध करते हैं और हमेशा करते रहे। देखिए, बोर्ड बैठक में आज गणपूर्ति के अभाव में हमने उसको स्थगित कर दिया है और आगामी 28 तारीख की हमने बोर्ड बैठक भी निकाल दी है। हो सकता है कोई कारण हो या कोई राजनीतिक दबाव हो या कोई और की परिस्थिति हो, लेकिन शहर के विकास के लिए सबको आना चाहिए। मेरा यही निवेदन है कि सभी मेंबर्स आए अपनी बात रखें। तो हमने 28 तारीख रख दी है, कोई बात नहीं। तो क्या प्रस्ताव थे आज जिनको पास होना था? प्रस्ताव काफ़ी है, आपको हम उसकी कॉपी दे देंगे। शहर में ऐसी है, सड़कों के हैं, पानी के हैं, विकास व्यवस्था के हैं और काफ़ी प्रस्ताव थे, लेकिन वो कोई खास ऐसा प्रस्ताव नहीं था, लेकिन विकास के प्रस्ताव थे। बोर्ड बैठक में आना चाहिए, मेरा ये सबसे। इससे पूर्व 2 बार बोर्ड बैठक रखी गई है, दोनों बार ही स्थगित कर दी गई और तीसरी बार फिर होगी। देखिए, बोर्ड बैठक में सभी मेंबर को आकर अपनी बात रखना, अपने विकास के लिए अपने वार्ड की समस्याओं को रखना, ये उनका कर्तव्य है। अगर कोई मेंबर नहीं आता है तो पहली बात तो हम ये जनता देखेगी, दूसरा हम शासन में देखेंगे कोई मेंबरों को आना चाहिए। तो ये चीज़ें कैसी है कि सभी मेंबर्स को अपनी बात यहीं पर रखें, लेकिन नहीं आना ये बहुत गलत बात है कि अपनी जन समस्याओं को लेकर अगर आप नहीं आएंगे तो ये तो जनता के साथ धोखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सभी से ये निवेदन कर रहा हूँ कि सभी मेंबर्स आएँ, अपनी बात रखें और विकास को चाहिए।